हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑटो टेक कार वर्ल्ड। तो आज हमारे पास है मारुति सुजुकी ब्रेजा, डीजल वेरिएंट है। इस गाड़ी में कस्टमर का कंसर्न है कि ये गाड़ी 60-70 किलोमीटर चलने के बाद टेम्परेचर दिखा रही है हीट का और गाड़ी हीट हो जा रही है। तो हमारे पास कस्टमर आया है, हमने गाड़ी की इंस्पेक्शन की है तो हमें फॉल्ट इसका मिला है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये इधर देख सकते हो गियर बॉक्स की साइड आपको कूलेंट नज़र आ रहा होगा। यहाँ से क्या है, कूलेंट लीक हो रहा है और लीकेज की प्रॉब्लम मैं दिखाता हूँ। ये आपको ब्लैक कलर की बॉडी दिख रही होगी, थर्मोस्टेट होजिंग होती है, ये लीक कर रही है और इसके आसपास भी हो सकता है कोई पाइप लीकेज हो, तो हम इसको निकाल के चेंज करेंगे। और भी पाइप कोई लीक होगी तो वो भी हम चेंज करेंगे। तो आप कंप्लीट इस वीडियो में बने रहो। और गाइज, आपको लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इंस्टा पेज om/.motors को जाके फॉलो कर लो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए। तो चलो गाइज, काम स्टार्ट करते हैं। गाइज, हमने इसकी जो पाइप्स है वो खोल लिया। ये जो पाइप है ये लीक कर रही थी, जिस वजह से जो कूलेंट लीक कर रहा था, और जो थर्मोस्टेट होजिंग है वो बिल्कुल इसका ओके है, उसको हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। कि वहाँ भी डाउट था कि कूलेंट वहाँ से लीकेज कर रहा था, डाउट उस पर भी जा रहा था, लेकिन अब हमने अभी फिटिंग खोल लिया है तो वो बिल्कुल ओके है। तो उसको हम चेंज ना करके सिर्फ ये पाइप चेंज कर देंगे, जो कि हमने नई वाली मंगा ली है, MGP पाइप है। इसको अब हम चेंज करेंगे, फिटिंग करेंगे। सो गाइज, फाइनली ना जो हमने ये जो होस पाइप थी इसकी नई लगा दी है, अब जो उसके क्लैंप है वो टाइट करेंगे। और इसकी होनी है फॉग लैंप कवर। फॉग लैंप कवर खोले, फॉग लैंप लाइट लगी, फॉग लैंप और हेडलाइट ट्यूब खराब है एक, और बाकी वगैरह को चेक कर ले कोई खराब है। सो गाइज, ये जो फाइनली क्लिप है टाइट हो चुकी है। ऐसे ही हम इस साइड की जो क्लिप है वो टाइट करेंगे ताकि लीकेज होने के चांस बिल्कुल ना हो। इस पाइप के अंदर हमने एनाबोंड लगा दिया है ताकि जो हल्की फुल्की गैप है वो भी गैप बिल्कुल ख़त्म हो जाए एनाबोंड से। तो ये बेनिफिट होता है, बेटर तो यही है, कोई भी होस पाइप खोलो तो उसमें एनाबोंड वगैरह लगा देना ही ज़्यादा बेटर है ताकि लीकेज की प्रॉब्लम आगे से ना आए। तो ऐसे ही हम इसको टाइट कर देंगे। सो पाइप तो हमने लगा दी है, अब जितनी भी इसकी फिटिंग खोली थी ना हमने, वो भी हम फिटिंग कर देंगे प्रॉपरली जैसे हमने खोली थी। सो फाइनली गाड़ी हमने रेडी कर दी है, गाड़ी की ट्रायल भी ले ली है और जो कूलेंट है वो कहीं से भी लीक नहीं हो रही है और गाड़ी हीट भी नहीं हो रही है। इसमें एक दो काम और थे वो भी हमने कर दिए। हेडलाइट ट्यूब ख़राब थी, ये भी हमने चेंज कर दी है, और नीचे के फॉग लैंप नहीं थे इसमें, दोनों साइड के फॉग लैंप हमने डाल दिए हैं। तो गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। थैंक यू गाइज।